कब तक, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? हमारे पास और बर्दाश्त करने की कोई रास्ता नहीं है। तो बाहर से पता चल गया है, मेरे बाप उधर वेट कर रहे, उधर न्यूज वाले गए हैं बकायदा, न्यूज वाले ने उनको कहा है कि हमें अंदर छोड़ दे। उसने सिचो बाहर आए, उसको कहा है कि वो इधर नहीं है, वो बात नहीं कर। हालांकि मेरा अबू कल से वेट कर रहे हैं। अब अभी इन लोगों ने घर आके भाई को भी उठा लिया, अबू उधर अभी तक बैठा हुआ है। इस सिचो का नाम क्या है? इस सिचो का नाम मुझे नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे खरक का है, खरक ताना सेठी खरक। अगर पुलिस का हम कहते, हम यही चाहते हैं कि बस हमें अपनी जायदाद में, जो दादा का जायदाद है उसी का बाप का जायदाद है उसी में हमें हिस्सा मिल जाए। उसमें हमें, उसमें तीन घर हैं, तीन घरों में ये चार भाई रह रहे हैं, ये मेरे एक भाई जो अबू है इसके साथ पांच है। उसको ना हिस्सा दिए हैं, ना जमीन दे रहे हैं, ना घर दे रहे हैं। वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि आपका इधर हिस्सा नहीं, हालांकि अभी तक इन लोगों ने कोई हिसाब किताब नहीं की। उसने ताने में गुजार दिए, अब उसके बावजूद पुलिस मेरे अबू के फयार पे आने पे नहीं आया, वो इन लोगों के कहने पे आया, उन लोगों ने कॉल किए, अभी मेरे भाई को भी ले गए हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? हमें इंसाफ चाहिए, और हमें इंसाफ चाहिए। बस मैं तंग हो गई हूँ, और हम यहाँ जब पहुँच गए हैं तो अपने इंसाफ के लिए, मेरे बाप को इंसाफ मिले और हमें अपना हक मिले। जो भी हो शमिलात में, जो फैसला हो हुकूमत करे, जो हुकूमत के उसमें सही हो, कानून में सही हो, लेकिन इस तरह नहीं कि वो पैसे दे वकील को, जज को, हुकूमत को, हो हमें हराए। मिल हो होते हुए कि मैं और बात नहीं कर सकती, और मैं इज्जतदार खानदान से हूँ और इज्जतदार फैमिली से हूँ, लेकिन यहाँ जब मुझे पहुँचा दिए अपने कज़न, उन कज़नों, उसका नाम भी मैं लेना चाहती हूँ। एक का नाम है नूर वली खान, जब कल उसने मेरे अबू को जख्मी किया है, वो ईचेम है, आर्मी में है, रावलपिंडी में। दूसरा नाम है ताहिर जमान, जो लेकिन वो अभी मेंटली तौर पर उन लोगों ने उसको रिटायरमेंट पे भेज दिया है घर, लेकिन अभी भी वो पुलिस में ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस क्योंकि सिफारिश है ना, सिफारिश में उन लोगों ने पैसे दे दे उधर कर रहे हैं, और साथ साथ वकालत भी कर रहे हैं, उधर सिर्फ तनख्वाह भी ले रहे हैं और साथ साथ। और इसका तीसरा भाई जो है वो फौज से, आर्मी से 8वीं क्लास पे रिटायर हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने पैसों पे उसको जॉब दिलवाई थी।